नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बीजेपी के ट्रैप में है सुधाकर सिंह। अगर तेजस्वी और कुशवाहा बयानबाजियों को नहीं रोकते हैं तो महागठबंधन में बिखराव हो जाएगा, ऐसा कहना है संजय सिंह का। दरअसल आपको बताएं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार यात्रा शुरू होने वाला है और इससे पहले ही बिहार में के जो महागठबंधन सरकार है और महागठबंधन में जो शामिल प्रमुख दलें हैं उनके बीच अब टकराव जो है वो दिखता नजर आ रहा है। आपको बताएं, बिहार के पूर्व कृषि मंत्री और राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने नीतीश कुमार को शिखंडी तक कह दिया था, जिसके बाद अब आरजेडी और जदयू आमने सामने हैं। ये पहली बार नहीं है जब सुधाकर सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हो रहे हैं। इससे पहले भी सुधाकर सिंह ने ऐसे कई सारे बयान दिए हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा था कि मेरा जो विभाग है वो चोर है और मैं चोरों का सरदार हूँ, मेरे ऊपर जितने लोग मौजूद हैं वो तो मेरे से भी बड़े चोर हैं। और ऐसे कई सारे बयानबाजी है जो सुधाकर सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ देते रहते हैं। हालांकि उनके पिता यानी जगदानंद सिंह चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार हों, वो चाहते हैं कि एक बिहारी प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनके ही बेटे यानी सुधाकर सिंह की जो नाराजगी है वो आए दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ सामने आती रहती है उनके बयानबाजी के जो है आधार पर। अब हालिया जो मामला है वो सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शिखंडी कह दिया है, जिसके बाद बिहार में जदयू और आरजेडी आमने सामने हो गई है और संजय सिंह ने कह दिया है कि अगर तेजस्वी और कुशवाहा मिलकर इस मामले को शांत नहीं करवाते हैं तो महागठबंधन में टूट पड़ सकती है। और ये पहली बार नहीं है कि सुधाकर सिंह ऐसे बयान दे रहे हैं और सुधाकर सिंह के बयान के पीछे भाजपा का हाथ है। सुधाकर सिंह और सुशील मोदी की जो दोस्ती है वो आज की नहीं है, वो पुरानी है और यही कारण है कि सुशील मोदी जो सिखा रहे हैं सुधाकर सिंह आकर मीडिया के सामने कह रहे हैं। इतना बड़ा जो आरोप है वो संजय सिंह ने सुधाकर सिंह के खिलाफ लगाया। शीतलहर में नीतीश कुमार की यात्रा शुरू होने से 3 दिन पहले महागठबंधन सरकार के दोनों प्रमुख घटक दल जदयू और आरजेडी के बीच तनाव बढ़ने से राजनीति सरगर्मी बढ़ गई है। पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह के राज्य सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर बयानों से जदयू इस बार पूरी तरह बिफर गई है। जदयू ने आरजेडी पर दबाव बढ़ा दिया है कि तेजस्वी यादव या तो नीतीश कुमार के खिलाफ सुधाकर सिंह को बयान देने से रोके या फिर उन पर फैसला करें। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह के राजनीतिक इतिहास को याद दिलाते हुए जदयू एमएलसी संजय सिंह ने कहा कि सुधाकर सिंह को बीजेपी ने ट्रैप कर लिया है और उनका सुशील मोदी का प्रेम आज का नहीं है। संजय सिंह ने कहा कि सुधाकर सिंह वही नेता हैं जो बीजेपी के विधानसभा उम्मीदवार रह चुके हैं। संजय सिंह ने कहा कि सुधाकर सिंह पर एक्शन का फैसला आरजेडी आलाकमान ही लेगा। वहीं दूसरी तरफ जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी सुधाकर सिंह को लेकर तेजस्वी यादव को खासी नसीहत थमा दी है। कुशवाहा ने तेजस्वी यादव से कहा कि सुधाकर सिंह की तरह के बयान पर जल्दी रोक लगाना गठबंधन और खुद तेजस्वी यादव के लिए अच्छा होगा। कुशवाहा ने कहा कि बिहार को खौफनाक मंजर से बाहर निकालने की मर्दानगी के लिए नीतीश कुमार को इतिहास याद रखेगा। बता दें कि बिहार के पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि नीतीश कुमार बेहद गैर लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करते हैं। नीतीश कुमार की नीति रही है कि उनके साथ जो भी रहता है वह उसी खत्म करते हैं। और पूर्व मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार केवल 2 महीने के लिए आए थे मगर अब वो तेजस्वी को सीएम बनने नहीं दे रहे। बता दें कि बिहार के पूर्व कृषि मंत्री और राजद नेता सुधाकर सिंह ने हमारे यानी न्यूज फॉर नेशन को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि नीतीश कुमार बेहद गैर लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करते हैं। नीतीश कुमार की नीति रही है कि उनके साथ जो भी रहता है वह उसे खत्म करते रहे। पूर्व मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार केवल 2 महीने के लिए आए थे मगर अब वो तेजस्वी को सीएम बनने नहीं दे रहे। बिहार का इतिहास उन्हें हमेशा शिखंडी के रूप में याद रखेगा।
तो देखिए न्यूज़ फॉर नेशन के संवाददाता वंदना कुमारी के साथ जब सुधाकर सिंह की जो वार्तालाप हो रही थी उसमें सुधाकर सिंह ने कह दिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इतिहास शिखंडी के रूप में याद रखेगा। बिहार के शिखंडी है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार सत्ता में आए थे सिर्फ 2 महीने के लिए, लेकिन अब उनका जो सत्ता प्रेम है वो इस प्रकार उछल रहा है कि वो अब तेजस्वी यादव को कुर्सी नहीं सौंप रहे। अब इसके बाद जो है जदयू और आरजेडी आमने सामने आ गई है। जदयू के MLC संजय सिंह ने कह दिया है कि नीतीश को अगर तेजस्वी यादव आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह के बयानों को रोकते नहीं हैं तो जो इसका जो परिणाम होगा वो ठीक नहीं होगा। तो चलिए इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।